इतना खतरा नहीं लग रहा, तुम खम खा खो नहीं है खतरा, हमारा ये ख्याल है भाई, हमारा ख्याल है यही बात है ना, तुम्हारा भी यही ख्याल है, हमारा भी यही ख्याल है, कुछ लोग कुछ देखेंगे, अभी पानी आ रहा है, जाओ जाओ यहाँ से, किधर जाएगा अभी, लाड़काना जाएगा। तुम्हें हुकूमत में तो किसी ने निकाला, DCO ने, पुलिस वाले ने, नहीं नहीं पुलिस वाले किसी ने, खाली करो पानी का कोई मना, कौन कर रहा है, बोतार कर रहा है मामन, ये क्या नाम है इसका, ये नादर खान, नहीं सही कोई बात नहीं कर रहा है, बात यही है, तो हम सिर्फ खतरे के लिए जा रहा हूँ, कोई नहीं कर, कहाँ लाड़काना, हाँ उधर अपना गांव है, अपना गांव है उधर, अपनी जगह, तुम्हारा अपना, हाँ ये अपना है, अच्छा तो अपने फैमिली पहले शिफ्ट कर गए, पहले शिफ्ट किया आप, हाँ क्या हाल है, अच्छा हाल है, धन्यवाद साईं, साईं क्या खा रहे हो, हैं कतल से नुकसान हुआ है अभी भाई, नुकसान हुआ है, तो ये यार ये बड़ी, ये तुम बीमार हो जाओगे ये खा के, हाँ यार खान जी का संग घनी धूप जो ये गुंगवा सर, सचवा सर ये बोल नहीं सकता, ये तो बाहर का हाल है और कोशिश करेंगे हम नाजरीन के हम तोनियो मोहल्ले में किसी घर में दाखिल हो जाएं और देखें कि वहाँ जो लोग नकल मकानी करके चले गए सारे लोग, हाँ। आओ मेरा ख्याल है इस घर को ट्राई करते हैं, नॉक तो करो, घर में कोई है ही नहीं यार, तो सर है ही कोई नहीं, तो ये कोई तमीज होती है यार, भाई जान सारे निकल चुके हैं यहाँ से, चलो 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 निकल चुके हैं यहाँ पे, खातून को क्रॉस करके भी रोकना ना यार, कोई है, अच्छा अच्छा सर मैं अभी कर, तो कोई है जी, हाँ जी है, आज 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 इस वक्त हम शहदाद कोर्ट के तुनिया मोहल्ले के अंदर खड़े हैं और ये मोस्टली सारे मोहल्ले से लोग यहाँ से जा चुके हैं, एक एक शख्स जो है घर का, जो कि फैमिली का हेड है या कोई मर्द है, वो यहाँ पर मौजूद है और वो यहाँ पे इस इंतज़ार में है कि अगर कोई खबर आए कि सैलाबी पानी का रेला जो है वो बंदू से क्रॉस कर चुका है, तो फिर ये भी यहाँ से इमरजेंसी में निकल सकें। ये हमारे साथ साहिब खाना इस वक्त इस घर के मालिक जेब साहब, आपका नाम है जी सर, अच्छा जेब साहब ये बताएं कि आपने सामान शामान हम देख रहे हैं कि आपने पैक किया है, फैमिली किधर छोड़ी है, फैमिली सर हमने कराची भेज दिए, उधर फ्लैट ले लिया है, अभी उधर रहते हैं हम, मेरे को भी बार बार फोन कर रहे हैं, मेरी भी आ जाओ सैलाब भर आए, सैलाब तो वाकई हमारे ऊपर ही खड़ा है अभी, तो फिर मैं ये बाकी आपके जानवर भी नजर आते हैं कि घर के अंदर ही, हाँ। होते थे, जानवर किधर छोड़े, वो बस किसी को दे दिया, मैंने कहा हम तो वैसे तो ऐसे ही छोड़ दिया, छोड़ते थे उसको, मैंने कहा खोल दी हूँ बस चली जाए, इस मुसीबत में कहाँ ले जाऊँ, क्यों हर कोई अपने माल से ही तंग है, तो सुना ये है कि 80,000 रुपए की भैंसे जो है, हाँ। और मुर्गियाँ हैं, मुर्ग हैं, जो लोग हैं वो बड़े सस्ते में बेच के या कुछ वैसे छोड़ के जा रहे हैं, हाँ ऐसे ही छोड़ दे, अभी वो 50 बकरी दी आदमी के पास, मैंने बोला 35,000 में दोगे, उसी ने बोला ले लो 35,000 में 50 पूरा धन जो था उसका माल वो दे रहा था, बोला यानी 700 रुपए की एक बकरी, 700 रुपए की एक बकरी, हाँ। अच्छा ये सामान फैमिली शिफ्ट कर दिया, 5,000 की 6,000 की मिल रही थी वो अब 700 रुपए की, 700 रुपए मिल रही, 50 और मिन्नतें कर रहे हैं लोग, हाँ के ले लो, हाँ फिर हमने कहा हम मजाक कर रहे हैं ऐसी बात नहीं, वैसे इतनी कंडीशन, तो वैसे कोई खरीद भी रहा है इन हालात में, नहीं नहीं कोई नहीं कर रहे, कोई है ही नहीं ना, एक एक, एक बंदा रह रहा है एक घर में बस, वो क्या, अच्छा तो अब आप किस इंतजार में हैं कि आप सामान तो आपने पैक किया हुआ है कि, हाँ, किस चीज का इंतजार है, इंतजार बस यही है कि सैलाब आए ऐसे घर छोड़कर चला जाए, इतना सामान है ये वो तो हमने ऐसे ही छोड़कर चला जाएंगे, लेकिन ऐसे चोरी बदमनी भी इसी वजह से ही रहते हैं, इसी वजह से रहते हैं, आए ना दिखाएं अपना घर, और औरंगजेब साहब ये क्या है, ये मशीन है हमारा सर, वो मासी है वो टीचर है, सिलाई खाती भी थी, अच्छा वो उसका सामान है, हाँ। वो भी चली गई यहाँ से, हाँ। अच्छा आपकी मासी भी चली गई है, ये बिल्कुल घर में कोई चीज हमें नजर नहीं आ रही, कुछ सामान पहले भी शिफ्ट किया आपने फैमिली के साथ, बस कुछ नहीं शिफ्ट किया है, सामान क्या उठाएं, ये सारे जो हैं अपने, अच्छा ये सारा चीज आपने प्लंग शलंग अपने जो है ना साइड पे रखे हुए हैं, ये लगता है आपकी बीवी के जेज का सामान है, हाँ ये ऐसे ही समझो, ऐसे ही है ना, देखे ना जेज का सामान, अपनी खातून खाना यहाँ से चली गई है, सामान बहुत ज्यादा है, 50,000-60,000 ले रहे हैं कराची का यहाँ से, तो वैसे कितना लेते थे, वैसे तो 20,000-25,000 अभी ऐसे समझो ग्वादर का किराया ले रहे हैं, ग्वादर का किराया कराची का ले रहे हैं, यानी जाना कराची और किराया ग्वादर का, ग्वादर का,
और मुश्ताक साहब, ये अब अकेले इस कमरे में बैठे हुए जो हैं, हाथ में रिमोट पकड़े लेटेस्ट यहाँ पे देखते रहते हैं कि सैलाब की भी क्या सूरत हाल है, लेकिन एक हवाले से ये खुशनसीब हैं कि इनके बिजली काम कर रही है, और यानी पंखा और एसी है तो ये गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए गोशा आफियत यही है, और उसमें भी निगाहें जो हैं वो टेलीविज़न पे हैं और किसी चीज़ पे नहीं। ओहो, ये देखें नाज़रीन, पहले तो हमने आपको शटर और दुकानें दिखाई, ये अब गलियां गलियां की गलियां बंद हो रही हैं, ये तमाम गलियों के अंदर ये देखें ये दीवार बनाई गई है, ये सलाह ये है कि अगर पानी आए तो इस गली में ना जाए इतनी, ताकि अंदर जो है गलियां होंजियां, ये आप लोगों ने बनाई है खुद, ये आपने क्यों ये अपनी गली बंद कर रहे हैं? जी, गली बंद करने के लिए पानी अंदर ना आए, जैसे तो इससे ये सेफ हो जाएगा, तकरीबन अपनी कोशिश करी की है, बाकी अल्लाह के हवाले है। बताएं आपको कितना डर है, कितने फीसद के पानी अल्लाह ना करे अगर आया तो? अल्लाह खैर करेगा, हमारी कोशिश तो यही है कि पानी ज्यादा ना आए अंदर गली में। नहीं, लेकिन शहदाद कोर्ट में कितना फीसद आपको यकीन है कि अभी तो पानी नहीं आया, अभी बंद के उस साइड पे है, तो क्या खतरा है कि आए? 50-50% है, 50-50 है, 50-50। बस इसीलिए गलियां बंद कर रहे हैं कि गलियां होंजियां सुनजियां तवीज मिर्जा यार फिरे हैं, हाँ दूसरी तरफ से भी बंद कर रहे हैं, उस तरफ से भी बंद की गई है। मरहूम मुनीर नियाज़ी ने कहा था कि मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है कि क्या है, थोड़ी सी उनके साथ माजरत के मुनीर इस शहर पर आसेब का साया है कि क्या है, हर कोई शख्स यहाँ से भागने के लिए पर तोड़ रहा है या यहाँ से भाग चुका है। आखिरी डिफेंस लाइन ये हम थाने के अंदर खड़े हैं, इस थाने के अंदर भी हमें कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही, और पुलिस वाले ज्यादातर लोग जो हमने देखा बंद पर ड्यूटीज दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें उस तरीके से नजर नहीं आ रही। ये बाहर गाड़ियाँ थाने के बाहर हैं, और ये गाड़ियाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रखी हुई हैं कि खुदा न खास्ता अगर लास्ट मिनट रेस्क्यू करना पड़े तो इन गाड़ियों में उन लोगों का रेस्क्यू किया जाए। मेरा ख्याल है कि इतने ही लोग रह गए हैं, जैसे हम घरों के अंदर भी गए हैं, थोड़े लोग रह गए हैं, खवातीन चली गई हैं तकरीबन सारी, और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर जरूरत पड़े तो ये गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाए। हमारी ख्वाहिश और दुआ है कि अल्लाह शहदाद कोर्ट को महफूज रखे, इसी ख्वाहिश और दुआ के इजहार के साथ यहाँ से हम रुख्सत हो रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस dma@duniatv.tv नुसर जावेद और मुश्ताक मिनाज को इजाज़त दीजिए। खुदा खुदा हाफिज़।